सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका बाइकर जोन में स्वागत है। दोस्तों तो आज सामने में नई वीडियो लेकर आए, वो खास वीडियो है दोस्तों ये। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे पास दोस्तों ये एक्साइड की बैटरी है। और दोस्तों कोई सी बैटरी हो इस तरह की, तो आप एक्साइड हो या एमरोन हो और कोई बैटरी हो, तो उसको आप बड़ी आसानी से सही कर सकते हैं। और मैं बताने वाला हूँ किस तरह आप इसको सही कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी परेशानी के लिए, वो भी ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे आपके। सबसे पहले आपको दोस्तों एक एसिड लेना है, जो नॉर्मल आपको बैटरी वाली दुकानों में मिल जाता होगा, जो इसमें बैटरी होती है या कोई रिक्शे का काम करता है उस पर आपको बैटरी में डालने के लिए जो एसिड आता है नॉर्मल, वो अलग से मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले वो लेना है दोस्तों। वो लेने के बाद दोस्तों इसका जो बैटरी है ये वाली, तो दोस्तों बैटरी का सबसे पहले दोस्तों ये ऊपर वाला कवर खोलना है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दोस्तों नॉर्मल एक पेचकश लेना है, ये पिन पेचकश और एक प्लास्ट चाहिएगा आपको। और दोस्तों इसका ऊपर वाला कवर ये खोलना पड़ेगा। दोस्तों पहले मैं इसको दिखा दूं, तो बैटरी दोस्तों इतनी डिस्चार्ज नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ शो आपके लिए करने के लिए कर रहा हूँ, बाकी बैटरी इतनी कोई खास दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों देख सकते हैं, और ये बल्ब भी जल रहा है, तो इतनी कोई इसमें खास परेशानी नहीं है। बाकी पहले से जो सेल्फ वगैरह लेने वाला सिस्टम होता है वो इसके अंदर नहीं बचा है, जो पहले जो ताकत रहती है वो नहीं बची है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें पिन पेचकस से ये निकालना पड़ेगा, इसका जो कवर होता है बड़ी आसानी से ये जगह दे रखी होती है, इसको आपको खोल के इसको निकाल लेना है। तो मैं खोल लेता हूँ पहले इसको, फिर दिखाता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों मैंने इसकी चेपी हटा ली और यहाँ से जो है इसको खोल लिया है, ये देखिए। अब इसको पूरा बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आसानी से तो नहीं खुला है, बाकी थोड़ी मेहनत लगी है, बाकी खुल चुका है। जो दोस्तों हमें इसके लिए बड़ा पेचकस की मदद लेनी पड़ी, और जैसे कि ये खुल चुका है दोस्तों, ये दोस्तों हर गाड़ी का ऐसे ही खुल जाएगा, यहीं ऊपर ही होता है, तो इसका आप आसानी से खोल सकते हैं। वैसा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ये कि अगर आप नई डलवाना चाहें तो नई भी डलवा सकते हैं, ये तो एक नॉर्मल तरीका है कि आप किस तरीके से अपनी गाड़ी की बैटरी सही कर सकते हैं। और जैसे जिसके पास पैसे नहीं हैं वो क्या करेगा, वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम्स को फेस करके इसको सही कर सकता है। बाकी जिसके पास पैसे हैं दोस्तों वो बिल्कुल डलवाए, ये बिल्कुल वो ना करे, मैं तो यही मानूंगा। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमने ये खोल लिया है, ये खोलने का दोस्तों बैटरी का पानी है, तो बैटरी का पानी दोस्तों इसके अंदर डालते हैं। जैसा कि मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और दोस्तों आपको क्या करना है, पानी डालने के बाद अगर आप हो सके तो एक बार चार्जिंग पे जरूर लगा लेगा, ना हो तो ऐसी कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं है, आप ऐसे ही गाड़ी में लगा सकते हैं। बाकी ये देखिए ये पानी अभी नीचे जा रहा है, ये देखिए दोस्तों दोस्तों मैं इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि इस ढक्कन को सही से लगाइएगा, क्योंकि अगर ये अगर आपकी गाड़ी पे गिरेगा, ये पानी अगर आपकी गाड़ी वगैरह जहाँ गिरेगा वहाँ दोस्तों उस चीज़ को पूरा कलर उतार देगा, पूरे तरीके से ख़राब कर देगा। तो इस तरीके से ये पानी जो है ये बैटरी का पानी है दोस्तों, तो ये कहीं भी जहाँ भी गिरेगा वहीं आपका बैटरी का कलर वो उतार देगा, तो इसलिए इससे थोड़ा सा बचाव रखें। तो जैसा कि मैंने लगा दिया है, ये लगाने के बाद इसकी रबड़ लगा लेते हैं, और रबड़ लगाने के बाद एक बार और ये कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने दोस्तों ये गाड़ी में से निकाल के बैटरी ये आपको दिखाई है, क्योंकि मैं चाहता तो गाड़ी में भी दिखा सकता था, लेकिन गाड़ी में मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि दोस्तों गाड़ी में अगर पानी गिरेगा ये बैटरी वाला, तो दोस्तों वहां जाके जो है इसका कलर बुरी तरीके से छुटा देगा। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम करें आप, जो ये इस चीज का सॉल्यूशन करें, तो गाड़ी से बैटरी निकाल कर ही करें, ऐसे ना करें। तो दोस्तों जैसा कि इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, अब पानी डालने का दोस्तों ये चेपी आपको ऐसे कैसे ही चिपका लेनी है, और इस पर दोस्तों आपको हल्का हल्का सा ठोकना पड़ेगा, ये आराम से अंदर चले जाएगा। और थोड़ा दोस्तों इस चीज के लिए दोस्तों कृपया करके आंख बचा के, क्योंकि अगर आंख पे जाएगा तो दोस्तों ये पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये बैटरी का पानी है दोस्तों, ये अगर आंख में जाएगा तो आंख भी खराब कर सकता है, इसलिए थोड़ा बचाव करके और ये बड़ी आसानी से इसको ठोक लें। और ठोकने के बाद तो जैसा कि दोस्तों ये बैटरी मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैक कर दी है, और ये पैक हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर टेप भी लगा दिया है, थोड़ा बचाव रहे इसलिए।
तो दोस्तों अब इसको अगर आप हो सके तो एक बार चार्जिंग पे लगा दें, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी के अंदर ऐसे कैसे ही लगा दें, क्योंकि गाड़ी चलेगी तो बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होगी, और चार्ज होगी तो दोस्तों आपको चार्जिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बार को कह रहा था, बाय चांस वाली बात है, अगर आप लगा लेते तो ज़्यादा बेटर रहता उसके लिए। तो दोस्तों इसको बल्ब को हम बल्ब तो दोस्तों कह पहले भी चल रहा था, बाकी एक बार ही देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों अब इसके अंदर जो है पानी डल के दोस्तों पावर जो है ज़्यादा तेज़ आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर पानी नहीं था, और ये इस तरीके से आप बड़ी आसानी से दोस्तों अगर देखा जाए तो ये ड्राई बैटरी होती है, इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसा कहा जाता है। बाकी दोस्तों ऐसा बिल्कुल सही है, ड्राई बैटरी होती है, लेकिन दोस्तों इनको थोड़ा बहुत बाय चांस वाला पानी चाहिए होता है। अब ये मान लीजिए जैसे हमने इसको निकाला तो पानी डाला, तो दोस्तों इसकी जो वो लेयर जो होती है अंदर, वो लेयर जो है पतली हो जाती है, पानी डल के वो लेयर फूल जाएंगी, तो बैटरी क्या होता है अपने उस पर आ जाएगी चार्ज, अपने जो पहले का नियत क्रम पे था वो आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी बैटरी को सही कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और हमारी वीडियो दोस्तों खासकर पानी से दोस्तों खास ध्यान रखें, अगर आपके कहीं भी शरीर पे लगेगा बाय चांस, हाथ वाथ पे लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों कुछ वैसे दूसरे पार्ट पे जाएगा तो दोस्तों वाकई में दिक्कत करेगा। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक थी, और किस तरीके से बैटरी सही कर सकते हैं तो मैंने इस वीडियो में बताया, और वीडियो देखने का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई किसी गाड़ी में दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में बताएं, मैं जल्द से जल्द जितना मेरे से हो सकेगा मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ लगा रहूँगा और आपके साथ उसका निवारण करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।